हे गाइस, वेलकम टू मेरे चैनल लेजेंडबॉयहुज। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ तो अनोखा करने वाले हैं। एंड गाइस, वो अनोखा चीज़ है ये है कि आज हम लोग खरीदने वाले हैं एक एयरक्राफ्ट कैरियर। जी गाइस, देखो गाइस, मेरे को अपने बिजनेस को ना एक्सपेंड करना है। आप लोग को पता है मैं कितना ज़्यादा अमीर आदमी हूँ, कितना बड़ा बिजनेस है मेरा। तो मुझे अपने बिजनेस को ना एक्सपेंड करना है, इस वजह से मैंने एक एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा है, जो कि ना फाइटर प्लेन्स जो होता है ना, फाइटर प्लेन्स को ना बाहर एक्सपोर्ट करेगा, जिससे कि मेरा बिजनेस एक्सपेंड होगा और मुझे और भी ज़्यादा फायदा होगा बिजनेस में। सो इसलिए मैंने आज एक एयरक्राफ्ट कैरियर खरीद लिया है। आज की इस वीडियो में उसी का हम लोग टूर करने वाले हैं। अब तक मैंने भी वो एयरक्राफ्ट कैरियर देखा नहीं है, ठीक है ना? तो आज की इस वीडियो में मैं उस एयरक्राफ्ट कैरियर को देखने भी वाला हूँ और आप लोग को दिखाने भी वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से और कैरियर में चलते हैं। सो गाइस, अभी मैं चलता हूँ रिची के घर के बाहर एंड गेट बंद कर दूँ क्या? वैसे चोरी का कोई डर तो है नहीं, लेकिन फिर भी कर देते हैं, सेफ्टी बरकने में क्या नुकसान है ना। एंड ये देखो, ये नहीं, मैं लैम्बोर्गिनी अवेंटर एंड ये लैम्बोर्गिनी अवेंटर रेड कलर में कितनी ज़्यादा ऑसम लगती है ना। मतलब कि मैं रेड कलर फेवरेट है, इसलिए मेरे को इतनी ज़्यादा सही लगती है। आप लोग का फेवरेट कलर कौन सा है कमेंट सेक्शन में बताना। खैर, पता नहीं मैं क्या क्या पूछते रहता हूँ आप लोग से कमेंट सेक्शन में, ये तो भगवान आई मीन ऊपर वाला ही जाने। लेकिन जो भी कहो, मेरी लैम्बोर्गिनी अवेंटर ना रेड कलर में बहुत ही ज़्यादा सही लगती है। एंड गाइज, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग को किरिल ने बनाया रिची को गरीब कैसा लगा, जो कि मैंने कल डाला था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, जल्दी से वीडियो देख लो और मुझे बताओ कि मुझे पार्ट टू कब डालना चाहिए। पार्ट टू मैं सोच रहा हूँ जल्दी से डाल दूँ, ताकि आप लोग को भी थोड़ा मज़ा आए मेरी वीडियोज देखने में। आप लोग भी शायद पार्ट टू का इंतजार कर रहे होंगे ना, इस वजह से आप लोग मेरे को बताओ कि कब मैं डालूँ पार्ट टू। एंड कि आप लोग को कैसा लगा पार्ट वन आप लोग को कैसा लगा, उसकी स्टोरी कैसी लगी आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। खैर, ये सब फालतू बात छोड़ के मैं भी जा रहा हूँ एयरपोर्ट पे, क्योंकि देखो गाइस, एयरपोर्ट पे ना मेरा प्राइवेट जेट खड़ा है। मैंने वो प्राइवेट जेट कुछ दिन पहले ही ख़रीदा है। अगर आप लोग उसकी वीडियो चाहते हो, उसको खरीदते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने वो वीडियो बना लिया है अभी फिलहाल के लिए मेरी गैलरी में। आप लोग मुझे बताना कि मुझे पोस्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। खैर, देखो सामने की तरफ एयरपोर्ट है, अभी मैं जाऊंगा एयरपोर्ट में एंड अपना प्राइवेट जेट लूंगा। एंड प्राइवेट जेट लेके ना गाइज, मैं जाऊंगा मिलिट्री बेस पे। देखो गाइज, मिलिट्री बेस पे मैं इसलिए जा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो सीधा प्राइवेट जेट से जा सकता हूँ वो एयरक्राफ्ट कैरियर पर। लेकिन देखो गाइज, प्राइवेट जेट होता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा एंड शायद से वो एयरक्राफ्ट कैरियर छोटा पड़ जाएगा उसको लैंड करने के लिए सही से। एंड आप लोग मेरा ड्राइविंग जानती हो, कितना अच्छा है मेरा ड्राइविंग है और फ्लाइंग भी। इस वजह से अभी हम लोग प्राइवेट जेट लेके जाएंगे मिलिट्री बेस पे, मिलिट्री बेस मतलब एरिया 51 में। वहाँ से अपना स्टंट प्लेन होगा। मजिए गाइज, मेरे पास स्टंट प्लेन भी है, एक छोटा सा स्टंट प्लेन है। उस स्टंट प्लेन को लेके हम लोग जाएंगे वो एयरक्राफ्ट कैरियर पे। वो स्टंट प्लेन छोटा है, इस वजह से वो जगह नहीं लेगा ज़्यादा लैंड होने में, और उसको लैंड करने में आसानी भी होगा। तो अभी मैंने उठा लिया है ये प्राइवेट जेट अपना मेरा। एंड मैं सोच रहा हूँ ड्राइवर भी रख दूँ क्या? नहीं, ड्राइवर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखो मुझे ड्राइविंग में मज़ा आता है, इस वजह से मैं ड्राइवर नहीं रखूँगा। अगर मैं ड्राइवर रख लूँगा ना, तो मेरा सारा ड्राइविंग का मज़ा किरकिरा हो जाएगा, इस वजह से मैं ड्राइवर नहीं रखूँगा। टकरा जाता अभी यार, ब्रिज से टकराने वाला था, किसी तरह मैंने बचा लिया। खैर कोई बात नहीं, जल्दी से चलते हैं हम लोग। तो अभी मैं बहुत दिन बाद चला रहा हूँ इस प्राइवेट जेट को, इस वजह से मैं उतना सही से नहीं चला पा रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, सामने की तरफ एरिया 51 तो आ गया है। ये एरिया 51 ही है ना? हाँ, ऐसे उड़ के जाने में बहुत पास पड़ता है। देखो ये रहा एरिया 51। अब मैं एकदम पीरो गेमर की तरह इसको लैंड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, कोशिश करूँगा। एंड ये कोशिश चालू हो गई मेरी, थोड़ा आराम से इसके स्पीड कम करो, एकदम आराम से, एकदम प्यार से, होले होले। अब यहाँ पर इसका स्पीड कम करता हूँ मैं पूरा। चलो स्पीड कम कर दिया, थोड़ा सा हेल्थ गया, थोड़ा सा नहीं कुछ ज़्यादा ही हेल्थ गया भाई साहब। आग निकलने लगा वहाँ के विंग से, देखो लेफ्ट विंग से आग निकल रहा है, सोचो। लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे से लैंड हो गया है ना। हाँ, मेरे हिसाब से तो मैंने अच्छे से लैंड किया। एंड ये देखो, ये रहा वो स्टंट प्लेन, जिसकी मदद से हम लोग जाएंगे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर। एंड जल्दी से मैं इसमें बैठ जाता हूँ एंड जल्दी से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। वैसे इसको चलाना ना बहुत ज़्यादा आसान है, किसी भी प्लेन से स्टंट प्लेन को चलाना सबसे ज़्यादा आसान है। एंड आप लोग को दिख भी रहा होगा वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि मैंने ख़रीदा है, सामने की तरफ है, आप लोग को दिख ही रहा होगा। तो चलो जल्दी से हम लोग चलते हैं वहाँ पर।
एंड इस स्टंट प्लेन का स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब कि मैंने सोचा था कि ये थोड़ा धीरे चलेगा, लेकिन फिर भी इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा सही लगा मुझे। एंड मैं एकदम अच्छे से इसको भी लैंड करने की कोशिश करूँगा। ये देखो ये रहा रनवे, अरे 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 अनबैलेंस हो गया, अनबैलेंस हो गया, अरे बाबा अनबैलेंस हो गया। अब एकदम अच्छे से आ रहा, मैं तो पूरा गोली घूम गया। चलो ये देखो ये रहा रनवे, अब मैं एकदम प्यार से लैंड करूँगा, एकदम ईजी। देखो कितना ईजी था लैंड करना, मज़ा ही आ गया इसको लैंड करके। एंड इसको चला कर भी अच्छी प्लेन है यार, अच्छे से लैंड भी हो गए। एंड पता नहीं मेरे से गलती से वो ऊपर हो गए गलती से, खैर छोड़ो हटाओ। मैं देखो ये रहा एक फाइटर जेट, अभी मैं जल्दी से यहाँ से उतर जाता हूँ नीचे के लिए। एंड मैं आप लोग को दिखा दूँ कितनी सही है मेरी ये एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब कि इसका साइज़ देख रहे हो कितना ज़्यादा बड़ी है, एकदम सही है एकदम ना। देखो यहाँ पे 5 फाइटर प्लेन है, 1 2 3 4 5, हाँ देखो 5 ही। एंड मेरी स्टंट प्लेन कहाँ जा रही है? अबे कहाँ जा रही है मेरी स्टंट प्लेन यार, रुक जा, कहाँ जा रही है तू? अबे पागल कहाँ जा रही है, रुक जा भाई। अरे तो अपने आप ही जा रही है क्या, भूत चला रहा है इसको? अरे गिर जाएगी, गिर गई। ओ भाई RIP ग्रेविटी, ये क्या हो गया इसको, ये गिरी क्यों नहीं यार, ग्रेविटी की तो ऐसी की तैसी हो गई। क्या छोड़ो मेरे कहा जा रहे हैं, हटाओ। हाँ तो गाइस जैसे कि मैं एयरक्राफ्ट कैरियर पर है, 5 फाइटर प्लेन, 3 ग्रीन में एंड 2 येलो में, तो मेरे को येलो वाला ज़्यादा अच्छा लगा देखने में। एंड मेरी स्टंट प्लेन फिर से पीछे जा रही है, पता नहीं इसको भूत कंट्रोल कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है। खैर अभी मैं इसको एक टेस्ट ड्राइव लेने वाला हूँ कि कैसा है ये। एंड 3 2 1, ये भाई साहब इसका स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा सही है रे, इसका स्पीड मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आई टोटली लाइक इट। खैर मैं तो नहीं क्या बक रहा हूँ। एंड देखो सामने की तरफ मिलिट्री बेस आ गया, अभी इसको हम लोग मिलिट्री बेस के ऊपर से उड़ाएंगे। एंड इतना ऊपर से मिलिट्री बेस कितना ज़्यादा छोटा लग रहा है, नहीं बहुत ही ज़्यादा छोटा लग रहा है। खैर मिलिट्री बेस तो है ही छोटा, तो अभी मैं जल्दी से चलता हूँ इधर से। ये एरिया 51 है भाई, UFO का एरिया सही नहीं है, ये एरिया बहुत ज़्यादा खतरनाक एरिया है। इसका कलर भी अच्छा है, इसका स्पीड भी अच्छा है। मैं सोच रहा हूँ ये वाला एक्सपोर्ट करूँगा क्या, ऐसे सारे एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे, एक्सपोर्ट का क्या है। एंड आप लोग को देखने में लग रहा होगा गाइज कि स्पीड तो बहुत ज़्यादा कम है, फार्मूला कार से तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन गाइज ये बात एकदम झूठ है। इसकी स्पीड ना फार्मूला कार से कहीं ज़्यादा है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड है इसकी। हाँ मेरे पता है, मेरे को देखने में लगता है कि इसकी स्पीड बहुत कम है, लेकिन ये एकदम गलत बात है, इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड देखो एयरपोर्ट भी आने वाला है, ये देखो मैं एयरपोर्ट के ऊपर से उड़ रहा हूँ, कितना ज़्यादा सही लग रहा है ना, ऊपर से एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। एंड ये देखो ये मेरी सिटी, मेरी प्यारी सिटी जिसमें मैं रहता हूँ। एंड ये बोट अपना मस्त होके जा रही है, इसको छोड़ो जाने दो, हटाओ। एंड ये देखो अब मैं इसको अपने सिटी के ऊपर से ड्राइव करूँगा। और अरे पहाड़ से टकरा जाएगी, अरे ये टकरा जाएगी, नहीं टकराई। एंड देखो सामने की तरफ है माउंट चिलियार्ड, अभी हम लोग इसको माउंट चिलियार्ड के ऊपर से उड़ाएंगे। ये देखो ये रहा माउंट चिलियार्ड, एंड हम लोग इसको माउंट चिलियार्ड के ऊपर ले गए, एंड हमने उड़ा लिया। एंड माउंट चिलियार्ड के ऊपर पड़े हुए पैसे भी हमें दिख रहे हैं एकदम साफ साफ। एंड हाँ मैं तो भूल ही गया था कि इसमें तो मिसाइल भी है, हाँ मैं तो भूल ही गया था। ये देखो मैं कितना ज़्यादा तबाही मचा दिया मिसाइल से भाई साहब, अरे 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 अनबैलेंस क्यों हो रहा है यार, अनबैलेंस मत हो। एंड ये मिसाइल बहुत ज़्यादा सही है रे, क्या तबाही मचा रही है, एकदम ग्रेनेड जैसा होता है ना, ग्रेनेड या फिर रॉकेट लॉन्चर, नहीं रॉकेट लॉन्चर, हाँ रॉकेट लॉन्चर की तरह ही तबाही मचा रही है, रॉकेट लॉन्चर से सिमिलर है एकदम। एंड देखो हम लोग इसमें अनलिमिटेड ये फायर कर सकते हैं, लेकिन एक बात है गलत जो किसी को लगते ही नहीं है, हम लोग अनलिमिटेड फायर तो कर सकते हैं लेकिन किसी को लगता ही नहीं है, तो फ़ायदा क्या हुआ। खैर छोड़ो हटाओ, मेरा क्या जा रहा है उससे, अरे भैया, अरे गया। वो भाई बार बार मेरे को लग रहा है ये अनबैलेंस हो रहा है एंड ये टकरा जाएगा, लेकिन बार बार मैं अपने पीरो स्किल्स की मदद से इसको बचा ले रहा हूँ। एंड ये फिर से हो रहा है, लेकिन मैं फिर से बचा लूँगा, देखो बचा ले रहा है। शिट यार ये तो होना ही था, एक ना एक दिन तो ये होना ही था, मैं कब तक उड़ा पाता है ना गाइस, मैं कब तक उड़ा पाता। आप लोग को पता है मैं कितना प्रो वाला ड्राइवर हूँ, कितना बड़ा मैं प्रो ड्राइवर हूँ है ना, तो ये तो एक ना एक दिन होना ही था। खैर सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखो RIP फाइटर जेट, एंड 1 lakh इज इक्वल टू 1 prayer फॉर द फाइटर जेट टू रीबोर्न इन dudetheftwars एंड आई विल किल हिम अगेन। क्या बोल रहे हो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर गाइस मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी।
अगर पसंद आए तो लोग लाइक करिएगा, चैनल पे ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। हम लोग काफ़ी ज़्यादा करीब है 1000 सब्सक्राइबर्स के। जी हाँ गाइस, हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स ना बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे, एंड मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी होगी ना जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे भाई साहब, मतलब कि मैं तो खुशी से पागल हो जाऊँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ यार प्लीज़, हम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए शप्पा खैर, सदा सुहागन रहो, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय, अलविदा।